ग्राइंडिंग का बाद इसको हम किससे जोड़ते हैं? इमली का जो बीज होता है, इमली का बीज से ये वाला, इसको ग्राइंडिंग करते हैं। इसको कैसे करते हैं? हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर की थी भुवनेश्वर की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल एस्प्लेनेड वन की वीडियो, जो कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी समथिंग ट्रेडिशनल, और उसके लिए हमें जाना होगा पुरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव में। गांव की नाम है रघुराजपुर, लेकिन उसकी दूसरी नाम है क्राफ्ट विलेज और हेरिटेज विलेज। छोटा सा ही गांव है, रोड कंडीशन उतना अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गांव में घुसने से ही आपको एक अलग फीलिंग आएगी। यहां की हर घर कुछ कहता है, यहां की हर एक घर की दीवार में आपको पेंटिंग्स दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये गांव है आर्टिस्ट का, यहां की हर एक लोग आर्टिस्ट है। ग्राइंडिंग का बाद इसको हम किससे जोड़ते हैं? इमली का जो बीज होता है, इमली का बीज से ये वाला, इसको ग्राइंडिंग करते हैं। इसको कैसे करते हैं? इसे वो पानी में रख के इसको 2-3 घंटा रखना भीज जाता है, इसको बड़ा पत्थर है, इसको छिसता है, इसको ग्राइंडिंग करते हैं ग्राइंडर से। ग्राइंडर करके पानी में वो फुटाते हैं, फुटाना वाला आटा होता है, प्लेन कपड़ा लगा के एक और नीचे कपड़ा रख देते, आटा लगा देते और एक कपड़ा लगाते, ऐसे करके तीनों लगा देते। लगाने बाद लास्ट में चक पाउडर लगा के इसको बड़ा पत्थर से घिसता है, घिसने बाद इसको प्लेन में जाता है। ये हैंडमेड कैनवास का पूरा ट्रेडिशनल है। ये जो भगवान का होता है ना, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का, ये जो कृष्णा जी का मानव मंदिर, ये दुर्गा माता का है, ये देखिए जगन्नाथ का ब्लू वाला, ये सब रेड कलर है, ये रासलीला है, ये देखिए मानव मंदिर का है, और ये बड़े वाला देखिए। तो ऐसे बनते हैं यहाँ की ये खूबसूरत पेंटिंग्स। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग्स न जाने कितने सालों से बन रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से इस पेंटिंग को बनाते हैं। ये पेंटिंग्स बेस्ड है हिंदू माइथोलॉजी की जो कैरेक्टर्स और स्टोरीज है उसके ऊपर। रघुराजपुर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं पिपली विलेज में। ये भी एक छोटा सा गांव है, और ये गांव फेमस है कपड़ों के ऊपर एप्लीकी वर्क के लिए। लेकिन रघुराजपुर की तरह यहाँ पे आपको घर घर में जाके देखना नहीं है, यहाँ पे शॉप्स और वर्कशॉप है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, लेकिन वहाँ पे जाके आप अपने मनचाहे सामान परचेस कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो यही तक, मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।